हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे हैं। और जोस्ट है किचन में फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी। तो झटपट बनेगी और स्वादिष्ट भी उतनी होगी। तो यहाँ पे हम 300 ग्राम मूली ले लिए हैं, और देख सकते हैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे साइज़ के मूली हैं। तो आप बड़े ले कि छोटे ले, जैसे आपके मन हो। और अभी ये मूली जो है नए नए अभी बाजार में आए हैं, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मूली को जो है हम इसका हल्का हल्का जो स्किन हम फेंक देंगे, उसके बाद इसको कटिंग कर लेते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियो देखें फ्रेंड्स। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक मार दें और शेयर भी कर दें। तो पहले हम छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूली हम काट लिए, साथ में एक आलू भी हम दे रही हूँ। आप चाहे तो आलू अगर पसंद नहीं है तो ना दे। तो एक मूली सॉरी एक आलू और 300 ग्राम मूली अब जो हम काट लिए हैं, अब अच्छे से धो लेंगे। मूली है तो काटने के बाद भी हम धोते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो होता है ना, ही थोड़ा तीत टाइप का होता है, तो इसलिए जो हम काटने के बाद भी धो लेते हैं। तो चलिए पर धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई हम चढ़ा दिए, उसमें हम छोटे चम्मच के एक चम्मच सरसों का ऑयल दे दिए हैं। अब जो तेल खाते हैं वो दे दें। अब हम आलू और मूली को थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हल्दी दे देंगे और थोड़ा सा नमक दे देंगे। देखिए, हमें मूली को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसमें से कलर चेंज नहीं हो जाता है और जो मूली के अंदर का एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी नमक दिए हैं तो निकल जाएगी, और उसका जो एक किटकिटा सा होता है वो भी निकल जाएगी। तो हम अच्छे से जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा फ्राई करने में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मूली का कलर जो है, आलू मूली का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन कलर जो है अच्छे से आ गए हैं। अब हम जो है निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में फिर से हम थोड़ा सा सरसों का तेल दे देंगे। दे देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा चटक गए हैं। अब हम दे देंगे एक प्याज को हम पेस्ट बना के रखे हैं। कुछ देर तक चला दिए हैं। अब दे देंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, 1 चम्मच होगा दोनों मिला के। प्लेट को धो के थोड़ा पानी और दे देते हैं। कुछ सेकंड तक हम चला लेते हैं। कुछ सेकंड तक चला लेने के बाद यहाँ पे हम कुछ मसाला देंगे। यहाँ पे ले लिए 1 छोटे चम्मच के 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे लिए हैं हम किचन किंग मसाला 1 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच के हैं। यहाँ पे लिए हैं हम सब्जी मसाला, जो सब्जी मसाला होता है ये वाला एवरेस्ट का सब्जी मसाला। और यहाँ पे लिए लिए हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा और पानी दे देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना, और अच्छे से भून लेना है हमें मसाला को। तो जब तक कि इसमें से ऑयल नहीं आ जाते हम अच्छे से भून लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑयल आ चुके हैं ऊपर। अब हम एक टमाटर का प्यूरी दे देते हैं। टमाटर आप छोटे छोटे काट के भी दे सकते हैं। तो फिर से जो है थोड़ी सी और भून लेते हैं मसाला को। फ्रेंड्स, सब्जी का स्वाद जो है मसाला भूनने के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप भून लीजिएगा अच्छे से, कच्चा ना रहे, उतनी सब्जी में जो है स्वादिष्ट और खुशबूदार होते हैं। तो अच्छे जो है अच्छे से हम मसाला को भून लेते हैं। तो मसाला को अच्छे से भून गए हैं। अब हम जो है आलू और जो मूली को फ्राई करके रखे थे दे देंगे।
ठीक है, 2 मिनट हम और जो है मसाला के साथ भून लेते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पे आप कुकर में भी दे सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, बस सीटी लगा देने के बाद जो है मूली आलू सब भी अच्छे से पक जाएगी। तो आप इस टाइम पे जो है रस डाल के कुकर में भी दे सकते हैं। कुकर में डालने से होगा क्या, आपका जल्दी पक जाएगी सब्ज़ी, और ग्रेवी जो है जितना आपको रखना है उतना ही दे, उससे ज़्यादा ना दे। तो 2 मिनट ऐसे ही हम चला लेते हैं। 2 मिनट चला लिए हैं, अब जो है हम पानी दे देते हैं। अगर आप कुकर में देते हैं तो इसको एक सीटी लगा दें, ठंडा होने के बाद जो है सब्जी रेडी हो जाएगी। और अगर आप कढ़ाई में पकाते हैं तो 10 मिनट लगेंगे जो है मूली को अच्छे से सीजने में, पकने में, क्योंकि मूली थोड़ा मोटे मोटे रखे हैं। और तो ग्रेवी आपको थोड़ा ज़्यादा देना है, जैसे कि हम इसको अभी कुकर में डाल देंगे तो जल्दी पक जाएगी। तो हम इसको कुकर में डाल के एक सीटी देते हैं, ठंडा होने के बाद कुकर, फिर इसको ओपन करेंगे हम, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी रेडी है, ऊपर से हम हल्के से हरी धनिया दे दिए हैं, और देख सकते हैं कितना जो है स्वादिष्ट बना है सब्जी। तो एक बार जरूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी कैसी लगी है जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।